फ्रेंड्स, दीप मोहित किचन में आपका स्वागत है। अभी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि दूध से हम खोया कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला मिल्क पाउडर से खोया कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। खोया हमारे बहुत काम आता है, आप खोए से गुजिया बना सकते हैं, कोई भी मिठाई बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसके लिए बता देती हूँ क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने 1.25 कप मिल्क पाउडर लिया है, ये 125 ग्राम के करीब मिल्क पाउडर है। आधा कप हमने दूध ले लिया है और 4 चम्मच मैंने देसी घी लिया है, क्योंकि मिल्क पाउडर में देसी घी नहीं होता, खोए में देसी घी के बिना खोया अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम देसी घी का यूज़ करेंगे। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, पैन में हम आधा कप दूध डालेंगे। दूध हल्का सा उबलने लगेगा, फिर हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। दूध से खोया बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मिल्क पाउडर से खोया बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, इसलिए हम खोए का यूज़ करते हैं। इसमें 4 चम्मच के करीब हम देसी घी डाल देते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को लगातार मिलाते रहेंगे और जब हमारा खोया पैन को छोड़ देगा तो आप समझ जाइए, और थोड़ा घी छोड़ने लगा तो समझ जाइए हमारा खोया तैयार हो गया। हमें ये खोया बिल्कुल धीमी आंच पे बनाना है और लगातार इसको चलाते रहना है। ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, और क्योंकि हमें होली और त्योहारों पे बहुत खोए की ज़रूरत होती है, तो इसलिए क्योंकि हमें मिठाइयाँ बनानी होती हैं, गुजिया बनानी होती है, तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धीमी आंच पे बनाने के दूध से खोया बनाने में हमें कम से कम 40-50 मिनट लग जाते हैं, अगर हम 200 ग्राम खोया निकालते हैं। इससे हमें 5 से 10 मिनट में बहुत जल्दी खोया तैयार हो जाता है। जब हमारा खोया देखिए अब कढ़ाई छोड़ने लगा है, और ये इसमें थोड़ी सी कसर है अभी, बस जब ये बिल्कुल छोड़ने लगेगा पैन हमारा, तो हमारा खोया बिल्कुल तैयार है। देखिए ये छोड़ने भी लगा है, देखिए ये आपस में एक साथ इकट्ठा हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा खोया तैयार होना शुरू हो गया है। देखिए अब मेरा खोया बिल्कुल तैयार हो गया, ये बिल्कुल इकट्ठा होने लगा, इसने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है और ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमारा खोया तैयार हो गया। देखिए कितना बढ़िया दानेदार बढ़िया खोया तैयार हुआ है। लीजिए तैयार हो गया हमारे दानेदार मिल्क पाउडर से बना हुआ खोया। इसको बनाने में हमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगा है और ये कम से कम 200 से 250 ग्राम खोया तैयार हो गया है। इसमें मैंने सिर्फ आधा कप दूध और 125 ग्राम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा देसी घी, और देखिए कितना अच्छा है। अब आप इसको बनाइए और त्योहारों पर मिठाइयाँ बनाइए, गुजिया बनाइए और सबको खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।